असलम आई यूट्यूब दी प्यारी प्यारी फैमिली आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेकअप लेकिन मेकअप सिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा सकते हैं और बिल्कुल ये वीडियो की हद तक नहीं है अगर आपने करवाना है तो जल्दी जल्दी से मेरे Instagram पे पहुँचो और अपनी अपनी बुकिंग करवाओ और फिर मैं कहती हूँ मज़े लूट लो <laughs> मेला लूट लो भाई जिस जिसने लूटना है अच्छा सबसे पहले मैंने शेफर की बेस जो है एज अ कंसीलर इनकी आइज़ पर मैंने यूज़ की है जो कि बहुत अच्छी है कवरेज इसकी बहुत अच्छी है और अगर तुम लेना चाहते हो तो किसी भी लोकल मार्केट के सिक्स हंड्रेड तो दे अराउंड बाय कर सकते हो बहुत ही जबरदस्त है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और अगर आप इसको एज अ बेस यूज करना चाहते हैं तो तब भी ये बेस्ट है अच्छा जी अब मैंने यहां पर इनकी आंखों का मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया है इनकी आइज का मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया है ठीक है और बहुत सी प्रोडक्ट हैं जिनका मैं आपको आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि भाई वो मेरी बनाई हुई हैं और इन उन चीज़ों के रिलेटेड जो है ना मेरी वेंटी के रिलेटेड अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो कर दूंगी शेयर और सबसे पहले ये जो मैंने पैलेट अप्लाई पैलेट मैंने सॉरी यूज किया ना मैंने वो मेरा बहुत ही ओल्ड किस्म का पैलेट है लेकिन बहुत अच्छा है उसके कलर के जो टेक्सचर है ना मैं कहती हूँ कमाल के हैं ठीक है गोल्डन कलर लिया और फुल आईलिड पर हमने इसको अप्लाई कर देना अपने हाथों के साथ भाई जब अल्लाह ने आपके हाथों के ऊपर दस दस ब्रश लगा दिए हैं तो मैं कहती हूँ दूसरे बाय करने की क्या ज़रूरत है और अगर आप अपने हाथों के साथ प्रैक्टिस कर कर के कर कर के अपना काम करते हैं तो मैं कहती हूँ एक दिन आप प्रोफेशनल ब्यूटी आर्टिस्ट बन जाएंगी और लोग आपको सलाम करेंगे ठीक है खैर अभी कोई नहीं बनी और इंशाल्लाह एक दिन आएगा भन जाऊंगी आप लोगों की दुआओं से आप लोगों के प्यार से और उसके बाद इतने मैंने काला कलर लिया है ठीक है हल्का हल्का सा मैंने काला कलर लिया है और उसको हम यहाँ पे इनर कॉर्नर पे यूज़ करेंगे और मैं कहती हूँ चंगी तरह से बड़ी रगड़ रगड़ के हमने इसको ना ब्लेंड कर देना कि मतलब कि हमारे कलर नज़र ही ना आए हमने कौन सा कलर यूज़ किया कौन सा कलर हमने यूज़ नहीं किया लोग मैं कहती हूँ कि दूरबीन लगा के भी देखें ना तो इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए इतनी तुम्हें ब्लैंडिंग करनी है ठीक है ना इतनी तो ब्लैंडिंग बनती है ठीक है और यहाँ पर मैं भी अपने हाथों के साथ ब्लैंडिंग कर रही हूँ तो आप लोग भी प्रैक्टिस किया करें इन आप लोगों को भी आ जाएगा तो ब्लैक कलर यहाँ पर हल्का हल्का सा लगा के उसको अच्छी तरह से कर देंगे ब्लेंड भाई काला 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 जब तक काला ना ना लगाएं तब तक मेकअप का कोई स्वाद नहीं आता और मैं आपको एक चीज बता दूं आजकल मैं लाइनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करी काला लाइनर मुझे वैसे अपनी आंखों पर भी नहीं पसंद और ज्यादातर मैं अपने क्लाइंट पर भी नहीं लगाती जे मेरा कोई क्लाइंट कहते हैं कि मैं लाना ही लाना लाना ही लाना, लाना फिर मैं कहती हूँ लो भाई लुआ लो फिर तो आपकी मर्जी है मैं कुछ भी नहीं कर सकती खैर लेकिन आजकल वो चल भी नहीं रहा जितना लाइट और सॉफ्ट मेकअप आप करते हैं ना उतना ही अच्छा लगता है अच्छा जी यहाँ पर मैंने डिको पेंट स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छा डिको पेंट है जो मैं इनको लगा रही हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं आपने इनकी स्किन भी देख ली है। और यहाँ पे पेंट भी नहीं करना क्योंकि कुछ जो होती वो आपके तो अमरीका वाह वाह और जब आपके पाओं की तरफ जाते हैं तो फिर उनको अफ्रीका याद आ जाता है और फिर वो कहते हैं तो बस तक फिर और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये जो ब्यूटी पार्लर वाली बाजियां आंटी हैं मैं आंटी नहीं मैं बच्ची हूं अभी मुझे कोई बाजी भी नहीं कह सकता तो वो ये कहते हैं कि पक्की जहनवी है तो भाई ऐसी बात बिल्कुल भी, भी नहीं है ये हमारा आर्ट है और हमारा काम बनता है कि हम अल्लाह ताला ने देखें हर किसी को प्यारा बनाया अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ परफेक्ट है खूबसूरत है और हम लोग अपना जस्ट आर्ट दिखाते हैं कि भाई ऐसी ये कर सकते हैं असि मुँह अमरीका दाते पाऊ अफ्रीका रह सकते हैं भाई पैरों को डोंट टच तो पैरों की आप लोग खुद केयर किया करें अच्छा यहाँ पे जो मैंने बेस लगाई है ना इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना आपने घबराना नहीं है मैं कहीं जान नहीं रही ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगी नहीं इवन कि मैं आपको ये लूज़ पाउडर जो है ना डस्ट आउट जिसको कहते हैं डस्ट पाउडर वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सिखाऊंगी लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी इसकी प्रॉपर डिटेल में एक वीडियो बना के शेयर करूंगी ठीक है लेकिन ये बेस जितनी भी मैंने अप्लाई की है ये बहुत ही अच्छी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी बहुत अच्छी है आपने सी वाली सीखनी है आपने मुझे वो कमेंट करना है इनशा मैं आपको वो अगर आपने, तो आपने लिकविडी तो बस जल्दी के नमेंट करने तो गलतियां भी कट रही है सकते हो मैं ऐसी ब्यूटिशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं गुस्सा कर जाऊंगी कि मैंने बिल्कुल सही किया आपने ऐसा क्यों कह दिया वो वगैरह वगैरह क्योंकि देखें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और गलतियाँ फिर ही आप सीखते हैं और मैं खुद को बिल्कुल भी परफेक्ट शनल नहीं कहती मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ नहीं मैं ये काम जितना सीखूंगी जितनी मेरी मिस्टेक लो, लोग निकालेंगे उतना ही मैं अच्छा करूंगी ठीक है अब यहाँ पर हम इनकी कर रहे हैं कॉन्टोरिंग और कंटोरिंग के लिए जो मैं पैरट यूज़ कर रही हूँ इसको मैंने इतना यूज किया इतना यूज किया कि मैंने इसकी मट्टी रोल दी है इसकी आत्मा मैंने रोल दी है और ये है क्रिस्टीन का बहुत जबरदस्त है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ कंटोरिंग तो आप क्रिस्टीन का बाय कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस में आपको किसी भी मार्केट से लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा ब्रांड है कांडली यूज करके देखें और फिर मुझे आप लोग जरूर बताएं अच्छा जी नोज की कंट्रोलिंग भी आपने करनी है और आपने अपने क्लाइंट के फेस को के फिर आपने कंट्रोलिंग करनी है मेरी तरह तो इसे बिल्कुल भी नहीं करनी कि जैसे मैंने कर दी है वैसे आपने करनी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है ना क्योंकि सबका जो फेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है उसके सभी के फेस फीचर्स जो है ना वो सेम नहीं होते सबके डिफरेंट होते हैं मतलब कि सबके नैन नकश बड़े चेंज होते हैं किसी का नाक मोटा होता है किसी का पतला होता है किसी का बहुत बरीक हूँ तो किसी का बहुत ही तिखा होता है तो आपने ये सब कुछ देख के फिर उसके हिसाब से आपने कंट्रोलिंग करनी है ताकि थोड़ा तो जो कलाइंट है वो जो जाए तो सारे ओरी तारीफ कर ना हो जो जाए तो सारे हा हाय ये कौन सी चुड़ैल भूतनी बन के आ गई हो सो दिल से काम करें अच्छा काम करें और ये जो मैं ब्लशन यूज़ कर रही हूँ मैंने इस्लामबाद से टू हंड्रेड के मैंने अराउंड लिया था लोकल मार्केट से लेकिन मैं इसको इतना अन्य यूज़ करती हूँ यूज ना कि मैं आपको क्या बताऊँ यार इतना जबरदस्त था ना मैं कहती हूँ चौबीस घंटे भी थोड़ा तो मेकअप है ना टॉस तो मास नहीं होता भाई थोड़ी सी पंजाबी भी चलती है जरूरी नहीं है आप ब्यूटिशन है तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर ही आपका क्लाइंट सेटिसफाई होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी पंजाबी बोलो यार अगले बंदे को एंटरटेन भी तो करना ना खाली मेकअप थोड़ी करना है हमने अच्छा जी ये है हाइलाइटर और ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है ये भी क्रिस्टीन का हाइलाइटर है और अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसको रेकमेंड कर देती हूँ बहुत अच्छा है, आप इसको ले लें किसी भी लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा देखिए मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि मुझे पता है लड़कियों को चाहिए होती हैं और ये जो यहां भी आगे बड़े बड़े ब्रांड की बातें करती हैं ना वो बस बता देती हैं और मैं मुझे पता है कि मेरे जैसी जितनी भी बहनें हैं ना वो बस खपती रहती हैं खैर मैं नहीं खपती मैंने बहुत से ब्रांड मंगवाए हुए हैं और इन उनके रिव्यू आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे पास पहुँच चुके हुए हैं बस मुझे टाइम नहीं लग रहा बस थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ मैं घर की इनशाला फिर उसके बाद मुझे बहुत से मैसेज आते हैं चिट्टा होने के लिए क्रीमें बता दें दो जार आज मैंने साफ करनी है जिसमें मैंने चिट्टा होने वाली क्रीमें बनानी है और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है और वो मैंने अपनी कुछ बहनों को देनी है जिन्होंने अपने मुंह अमरीका के करने या चाहे पउन के अफ्रीका के रहें वो उन्होंने चिट्टे नहीं करने देखें मेरी इस बात का आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं करना और यहाँ पे इनकी आईब्रो में बेल्डी ग्लैम के जो है उसके साथ मैं फील कर रही हूँ भाई मेरे जहन से नाम निकल गया क्योंकि मैं दूसरी बात करने लगी थी लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है बेलडी ग्लैम का या बिल्कुल भी ना मंगवाएं मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ठीक है ना आईब्रो पैलेट याद आ गया <laughs> असल में मुझे बदाम खाने भी मैंने स्टार्ट करने हैं क्योंकि आजकल मेरी यादाश्त जो है ना वो ख़राब होती जा रही है अच्छा मैं आपको बता दूँ कुछ बहनें मेरी शायद इस बात से उनको गुस्सा आ जाए कि क्या मुँह अमरीका और पाऊँ अफ्रीका के कह रही हैं देखें जब आप आप अमेरिका का कर सकती हैं तो फिर पाँव क्यों आप अफ्रीका का छोड़ देती हैं काइंडली थोड़ी सी क्रीम पाँव के ऊपर भी लगाएं और अपने फेस का और अपने हैंड का अपने फ़ीट का स्पेशली यार ध्यान रखें ये नहीं है कि आपने अपने फेस पर सारा टाइम लगा दिया फेस को आपने चिट्टा कर दिया नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप अपने हैंड फीट और फेस की के जितनी केयर करेंगे ना आप उतने खूबसूरत लगेंगे अगर आपका फ़ेस ज़्यादा वाइट हो जाएगा और आपके हैंड और फीट ब्लैक लगेंगे तो भाई आप पे लोग हंसेंगे और लोग वाकई में हंसते हैं यकीन करें स्पेशली लड़कियां हंसती हैं को तो चले छोड़ देना लड़कियाँ हंसती हैं कि इस लड़की ने ना क्रीम लगा लगा के अपना मुँह इतना चिट्टा किया वह कानों में बातें करती हैं है। कसन से मैं सेंटर जाती थी ना वहाँ पर एक लड़की ने ना मुँह इतना चिट्टा किया हुआ था लेकिन गर्दन उसकी काली थी और मैंने वैसे ही अपने दोस्तों को बोला मैंने कहा लो भाई मैं जा रही हूँ उसके पास पूछने के लिए इसने कौन सी क्रीम यूज़ की है और जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा कि ना जी ना मैंने तो कभी क्रीम यूज़ की नहीं मेरी तो ओरिजिनल ब्यूटी है अल्लाह माफ़ करे कि शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए कि भाई सामने एक ब्यूटिशियन है और जब ब्यूटिशियन को देख के पता नहीं चलेगा कि का कमाल है या फिर किधा कमाल है तो फिर किसको पता चलेगा अच्छा आप लोगों ने कहना कितना बोल दिया और यहां पे ना मैं इनकी नकली पलकें जो थी, ना सुखा रही थी फूके मार मार के फू फू करके मैं सुखा रही थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था बाहर इंटरव्यू वाले आके बैठे हुए थे और फिर मुझे बाजी ने बताया कि मुझे भी तैयार करना है। मैं कहा लो जी अब मैं आपको कैसे तैयार करूँ इतनी जल्दी में फिर मैंने फटाफट भाई स्पिटों में मैंने जो है ना उजमा बाजी को तैयार किया उजमा बाजी को मैंने हिजाब पहनाया और माशाला से बहुत प्यारी लग रही थी सैमा भी तो मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए आ, मतलब मेकअप से रिलेटेड चाहिए बेस जो मैं बनाती हूँ उससे रिलेटेड चाहिए या फिर चिट्टे होने वाली क्रीमों से रिलेटेड चाहिए तो जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए होंगी वो आपको मिल जाएंगी और बस यहाँ पे मेरा ओवरऑल जितना भी मेकअप था वो कम्प्लीट हो चुका था सिर्फ हमारी लिपस्टिक रह गई थी तो तीन लिपस्टिक का मैंने ना मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर मैंने इनको लिपस्टिक लगाई थी जो कि इनको बड़ी प्यारी बड़ी सोनी लग रही थी और मैं आपको एक बात बताऊँ साइमा आप भी को खुद भी पता है मेकअप का इसलिए वो बार बार उठ के देख रही थी कि मैं सही कर रही हूँ सही कर रही हूँ सही कर रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही किया था और साइमा आपे को भी बहुत अच्छा लगा उसमें आपे को भी बहुत अच्छा लगा और बाकी जी हूं तो उन्हें दसना है कि तानू साइमापी दी ओवरऑल जड़ी लुक है वो कैसी लगी और ये थी साइमा आपी की फाइनल लुक आई होप कि आपको मेरी ये लुक बड़ी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है ना तो दिल खोल के जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो नाल दी नाल बेल के आइकन जरूर प्रेस कर लो वहाँ से आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम से मिल जाएंगे और आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी मेकअप कैसा लगा है सैमा आपी कैसी लगी हैं तो मिलती है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी अल्लाह हाफिज